मोतीलाल ओसवाल एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर जो कि इंडस्ट्री में करीब 35 साल से है। एज ऑफ नाउ करीब 9 लाख एक्टिव क्लाइंट हैं इसके पास और अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आपको पैसा लगाना इन्वेस्ट करना अलाउ करता है, चाहे स्टॉक मार्केट है, कमोडिटी है, करेंसी है, डेरिवेटिव्स है, फिक्स डिपॉजिट्स है, एट द सेम टाइम इंश्योरेंस करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए आपको, तो सब कुछ प्रोवाइड करेगा, आपको ऑफलाइन प्रेजेंस भी देता है। लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में नहीं जाएंगे, आज हम बात करेंगे इनकी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ, इनकी ट्रेडिंग एप्लीकेशन दो तरह की है, एक है इन्वेस्टर के लिए, एक है ट्रेडर के लिए। हालांकि आप कोई भी एप्लीकेशन किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए या ट्रेडिंग के लिए। आज हम एमओ इन्वेस्टर ऐप की बात करेंगे, इसका एक ट्रेडिंग डेमो लेंगे, देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं इनके पास, अगर आपको इसको यूज़ करना है तो कौन कौन से फीचर्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप एमओ इन्वेस्टर में लॉगिन करेंगे ना, तो आपके सामने टुडे मार्केट कि क्या रहा, मार्केट का हाल इंडेक्स लेवल पे, करेंसी लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, एक तरीके से आपके पास बाइफर्केशन आ जाएगा। आपका पोर्टफोलियो क्या कहता है, अभी नया अकाउंट खोला है, कुछ पैसा डाला नहीं, कुछ स्टॉक आइडियाज़। फुल सर्विस ब्रोकर का ये अच्छी बात होती है कि वो आपको टिप्स, रिकमेंडेशंस, रिसर्च प्रोवाइड करता है, ये भी आपको ये दे रहे हैं, साथ में आपको बता रहे हैं कि स्ट्राइक रेट क्या है। जब स्ट्राइक रेट नंबर के साथ लिखता है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि बंदा सच बोल रहा है या झूठ। इस केस में ये कह रहे हैं कि इनके रीसेंट कॉल्स जो हैं वो 70% स्ट्राइक रेट के साथ रहे हैं, मतलब 10 में से 7 सही रहे हैं। देन यू कैन लुक एट कि आप स्टॉक का कोई बास्केट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की थीमेटिक लेवल पे सेग्रीगेशन कर रखी है, इनके कुछ प्रोडक्ट्स मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी ऐप में, थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ये इनका होम पेज है। की स्टेटिस्टिक्स, दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, टॉप गेनर्स, मार्केट लूजर्स, ये सब डाला है, मार्केट की कमेंट्री डाल रहे हैं, पोर्टफोलियो ओवरव्यू, अच्छा टिप्स विप्स सब कुछ सेम आ गया। तो होम पेज पे मार्केट के एक तरह से हालें बयां हो रहे हैं कि मार्केट का आज क्या हालचाल रहा। ओके, आपका पोर्टफोलियो भी दिखा दिया। एनीवे, अभी मैं मेन्यू पे अगर क्लिक करता हूं तो ज़बरदस्ती का एक पॉपअप आ जाता है जो उसमें मुझे कह रहा है कि आईपीओ में पैसा लगाओ, जो मुझे नहीं लगाना है एज ऑफ नाउ, बट नंदलेस दिखाना तो इसका काम है। आईपीओ में लगा सकते हैं, फंड ट्रांसफर, मार्केट्स देख सकते हैं, एडवाइस जो टिप्स है आपकी वो बताएगा, इंटेलिजेंट एडवाइजरी, पोर्टफोलियोज कौन कौन से हैं, म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहें, अलर्ट्स लगाना चाहें, रिपोर्ट्स देखना चाहें, लोन लेना है, न्यूज़ कुछ सीखना है, रेफ एंड अर्न, ऑफर्स, रिवॉर्ड्स, काफ़ी कुछ है। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन भर रखी है इन्होंने अपने यूज़र्स के लिए, एक एक करके जाएंगे। आईपीओ में अगर लगाना है दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट, तो आईपीओ कैन बी अप्लाइड अप टू 5 लाख, अगर नया, अगर आपको सेबी का रूल पता है, अगर आप अर्ड डिजिटल ब्लॉगर को लगातार देखते हैं, उनके वीडियोस को ध्यान से समझते हैं, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कुछ हफ्ते पहले। LIC का आईपीओ भी चल रहा है, आईपीओ तो कुछ और भी चल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही क्यों दिखा रहे हैं, फॉर सम रीज़न इसका DRSP वगैरह आपको दिख जाएगा, अगर आपने ऑर्डर लगाया है तो उसकी डिटेल मिल जाएगी। आईपीओ से बाहर आ जाते हैं, नॉर्मल दुनिया में आ जाते हैं। फंड ट्रांसफर अगर आपको करना है, पैसा डालना है ट्रेडिंग अकाउंट में, निकालना है अपने बैंक अकाउंट की तरफ, तो यहाँ से किया जा सकता है। ऐड फंड्स में आपको पैसा दिखेगा, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, विदड्रॉ फंड्स करने हैं, कितना पैसा निकालना है वो बता सकते हैं, ट्रांसफर स्टेटस आपको पता लग जाएगा। शुरुआत में ही कहेंगे फंड ट्रांसफर शुरुआत में रख दिया इन्होंने, शुरुआत में रखने का मतलब क्या है, पहले पैसा डालो ना, जब तक पैसा डालोगे नहीं तब तक ट्रेडिंग कैसे करोगे। तो ये नहीं कह रहे कि ट्रेड करो पहले, पहले मार्केट नहीं दिखा रहे, पहले कह रहे हैं पहले पैसा डालो। फिर है मार्केट स्टैब, इक्विटी डेरिवेटिव्स, इसको सेग्रीगेट कर रखा है। मैं अगर इक्विटी में जाता हूं तो मेरे को इक्विटी का अलग अलग इंडेक्स दिखेगा, गेनर्स, लूजर्स एंड ऑल दैट शिट। अगर मैं अदानी ग्रीन को एक स्टॉक पिक करता हूं तो मेरे को बताएगा कि वो स्टॉक का स्क्रिप्ट क्या है, डिटेल्स क्या है, ओपन हाई लो क्लोज। याद रखिएगा इन्वेस्टर ऐप है तो आपको फंडामेंटली अच्छी दिखनी चाहिए, एप्लीकेशन फीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, रेशियोज बहुत सारे होने चाहिए। मैं फंडामेंटली आपको एक स्टॉक को एनालाइज चाहूं तो ये ऐप मुझे मदद करे उसमें, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं डिटेल्स में टैप करता हूं तो यहां पे आ गया, यहां पे आएंगे कंपनी के फंडामेंटल्स, की इंडिकेटर बताएगा कि क्या है इसका स्कोर कार्ड, वेरी नेगेटिव फॉर द रीजन, ये कह रहे हैं फॉर वेरी नेगेटिव। ऊपर स्टॉक का प्राइस देखिए आप, उसका ट्रेंड देखिए आप, नेगेटिव फ्लैट, ये स्पेलिंग देखिए, नेगेटिव क्या होता है। मोतीलाल ओसवाल टेक टीम, यू नीड टू टॉक टू योर कॉन्टेंट टीम, और यू नीड टू जस्ट हैव सम बेसिक सेंस, आई एम सॉरी टू से दैट, बट नेगेटिव, NAGATIF, ह्यूमन की मेंटेलिटी होती है जब गलती देखना है तो सबको चिल्ला चिल्ला के बताने की, लेकिन क्या करें, ऑप्शन नहीं है इस केस में। फ्लैट, ये एक तरह से 6 पैरामीटर्स में से कौन सा पैरामीटर पिक करना है, तो फाइनेंशियल ट्रेंड ये पॉजिटिव,
बता रहे हैं, वेरी पॉजिटिव या आउटस्टैंडिंग, तो ये पॉजिटिव लेवल पे इनका रीडिंग है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। कुछ पर्टिकुलर रेशियोज़ हैं, पीबीटी आपको दिखा रहा है ग्राफिकल मोड में, कुछ कुछ रेशियोज़ हैं, काफ़ी रेशियोज़ हैं इनफैक्ट, जो कि आप रेशियोज़ नंबर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रेवेन्यू, इंटरेस्ट, तो इस मामले में तो प्रिटी गुड। मतलब मेरे को ज़्यादा समय नंबर्स देखने में नहीं, अपना इंफॉर्मेशन देखने में समझ में आना लगेगा एक तरीके से। मैं जल्दी डिसीजन ले सकता हूँ और सही डिसीजन ले सकता हूँ, क्योंकि नाउ आई एम लुकिंग एट अ कंपैरिजन लेवल एट अ डिफरेंट पैरामीटर और मेट्रिक लेवल एज वेल। मतलब चाहे मैं रेवेन्यू देखूँ, इंटरेस्ट देखूँ, प्रॉफिट देखूँ, ग्रॉस प्रॉफिट देखूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखूँ, देन आई कैन लुक एट आर ओ सी ई रेशियोज़ को इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा रखा है। बढ़िया ये रहता है ना दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे कोई स्टॉक ऐड कर सकता ना इन्हीं इसी सेक्टर में से, ये खुद ही मुझे एक प्रॉम्प्ट दे देते कि आप अदानी ग्रीन है ना, एक फलां स्टॉक उठा लो जो इसी सेक्टर से आता है और उसके रेशियोज़ इंडिकेटर्स को कंपैरिजन करके देखो। अब मुझे इनके फाइनेंशियल्स दिखा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, शेयर होल्डिंग पैटर्न, की रेशियोज़ कुछ हैं, स्टॉक न्यूज़ हैं, अभी भी की रेशियोज़ हैं रादर, ये स्टॉक न्यूज़ में मैं जाऊँगा। पीयर कंपैरिजन यहाँ पे दिखा रहा है, पीयर कंपैरिजन, ये कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स ने खुद ही पिक कर दिए, इन्होंने कह दिया कि हम ही बता देते हैं आपको। तो ग्रीन पावर को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे बता दिया इसने, ये थोड़ा पेनी स्टॉक टाइप है। अगर मैं कोई अच्छा स्टॉक पिक करता हूँ, लेट्स से कोई ग्रीन जिसके नाम में ही ग्रीन हो, खैर कोई नाम में ग्रीन तो यही है, नॉनदलेस आप अपने हिसाब से कोई सेक्टर के स्टॉक को उठा सकते हैं, देन मेक अ डिसीजन ऑन योर ओन। परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं, पिछले दिन की मूविंग एवरेज आपके सामने आएगा, वॉल्यूम रिसर्च, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स कंपनी इन्फो, नाइस, प्रिटी नाइस। सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, देर इज़ अ लॉट, देर इज़ क्वाइट अ बिट, काफ़ी कुछ है यहाँ पे दोस्तों। ये मैंने, अगर हम कोई नॉर्मल डिस्काउंट ब्रोकर ऐप की बात करेंगे ना, चाहे ज़रूरा है, चाहे फाई पैसा है, चाहे अप स्टॉक्स है, ग्रो है, पेटीएम मनी है, लाइन बहुत लंबी है, लेकिन इतना डिटेल एग्जॉस्टिव लेवल पे फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कोई ब्रोकर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, एटलीस्ट डिस्काउंट लेवल पे। फुल सर्विस पे मिल जाएगा कंपटीशन, एडवाइस दे देगा कंपटीशन, शेर खान दे सकता है कंपटीशन, बैंक बेस्ड ब्रोकर दे सकते हैं कंपटीशन कुछ लेवल तक, सारे नहीं, तो दैट्स वन गुड स्टार्ट। यहाँ पे मेरे को सीधा इन्होंने ना ट्रेंड नहीं दिखाया, चार्ट नहीं दिखाया है, क्यों? क्योंकि ट्रेडर की तरफ एप्लीकेशन लेके जाने की कोशिश इनके केस में नहीं है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे चार्ट पे टिक क्लिक किया थोड़ा सा, तो देखिए चार्ट खुल गया है, कैंडलस्टिक चार्ट एंड एवरीथिंग, यहाँ पे भी टेक्निकल इंडिकेटर मिल जाएंगे, टाइमलाइंस मिल जाएंगी, ड्राइंग टूल्स मिल जाएंगे, मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ट्रेड पे टैप करूँगा तो बाय एंड सेल यहाँ से कर सकता हूँ, तो ट्रेडर के लिए भी सुविधा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि एक इन्वेस्टर ही इसको यूज़ कर सकता है, ट्रेडर कैन ऑल्सो यूज़ इट। मैं इसको हल्का सा क्लिक करता हूँ तो 52 वीक रेंज बता रहा है क्वालिटी वैल्यूएशन और फाइनेंशियल ट्रेंड के साथ, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ डिसेंट ऐप फ्रॉम अ फंडामेंटल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। डेरिवेटिव्स में अगर मैं जाऊँगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन शायद एफएंडओ के लिए इतनी क्रूशल ना हो, इतनी आई वुड से रेकमेंडेड ना हो, बट अगेन वील हैव टू सी टू मेक दैट कॉल। मोस्ट एक्टिव मेरे को मिल गया है यहाँ पे निफ्टी का, अगर इफ़ आई हैव टू जस्ट पिक अप अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पिक करूँ, लेट्स से मैं कॉल ऑप्शन उठाया यहाँ पे, ₹10 मिल रहा है, मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर तो देखिए यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ पे इसका ऑप्शन का डिटेल मिल जाएगा, ऑप्शन चेन पे टैप करता हूँ, मेरे को ऑप्शन चेन दिख रही है, बट जैसे कि आप देख रहे हैं और जिस तरह के अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं आपके एनालिसिस को लेके, एप्लीकेशन के कंपैरिजन को लेके, तो उस केस को अगर इस केस के साथ जोड़ेंगे तो पता लग जाएगा कि बहुत डिफरेंस है। ऑप्शन चेन का लेवल वो नहीं है इस एप्लीकेशन में, शायद इनकी ट्रेडिंग एप्लीकेशन में हो, लेकिन इन्वेस्ट एप्लीकेशन में एक एफएनओ ट्रेडर के लिए कुछ खास डिटेल्स नहीं है। करना चाहे कर सकता है, बट एक बिगिनर लेवल का बंदा, नॉट एट इंटरमीडिएट एक्सपर्ट लेवल का एनालिसिस नहीं कर सकते आप। खैर, मूव ऑन, लेट्स आगे चलते हैं। अभी मैं होम पे आ गया हूँ, घर आ गया हूँ, और एडवाइस देखते हैं आप, रिकमेंडेशंस क्या है मेरे पास, कॉल्स में यहाँ पे क्या है मेरे पास, मैं इंडेक्स में क्या कमोडिटी, देखिए मार्केट आवर्स के बात कर रहे हैं तो शायद ना हो इतनी, लेकिन कुछ हैं कॉल्स यहाँ पे और बता रहे हैं कि ओपन पोजीशंस कौन सी हैं, इंडेक्स लेवल पे क्या बाय एंड सेल करना चाहिए, कमोडिटी एंड करेंसी लेवल पे मुझे ये बता रहे हैं। सो दिस इज़ एडवाइस इन अ सेंस, इंडेक्स का व्यू बता रहे हैं, ये आएगा इनका रिसर्च, जो फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट होते हैं ना वो बैठ के बनाते हैं बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, तो इनके केस में आपको S1 S2 पाइवेट लेवल्स देंगे, ये यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। सिमिलरली आपको MO स्मॉल केस, इनका खुद का स्मॉल केस है, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इंटेलिजेंट एडवाइजरी IAP,
इंटेलिजेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियोज़। तो ये कुछ पोर्टफोलियोज दिखाएंगे कि किस तरह से करना चाहिए, मोस्ट लाइकली ये बताएंगे कि कौन कौन से पोर्टफोलियोज़ किस किस बेसिस पे बनाए हैं इन्होंने, कितना इन्वेस्टमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है कितने समय के लिए और कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना रिस्क आपको लेना पड़ेगा मोर और लेस। सो दीज आर डेफिनेटली फ्यू ऑफ द गुड वंस। हाँ, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये कह रहे हैं कि 3 साल से या 2 साल से, वो चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेंडेमिक के कारण जो स्टॉक का करेक्शन हुआ था या जो मार्केट गिरी थी उसके बाद पे अगर ये 50% रिटर्न दिखा रहे हैं तो दैट इज़ ऑब्वियस, वो मार्केट ही उठी है 50%, तो अगर ये ना भी होता तो भी चल जाता। तो आपको ये देखना है कि कौन से ड्यूरेशन से ये चीज़ एप्लीकेबल है, तभी आप डिसाइड कीजिएगा। ऐसे डायरेक्टली नंबर्स पे विश्वास करके सीधा कहें कि यार इनके साथ अकाउंट खोल लें, खोलना है खोलो, बट सिर्फ पूरा जाँच पड़ताल करके। म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो भी कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन में। आई थिंक इनके पास दूसरी एप्लीकेशन होनी चाहिए, नहीं है तो बना लेनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मार्केट बहुत अलग है, बहुत बड़ा भी है। इसके अलावा सजेस्ट मी टूल, बॉन्ड्स, बल्क ऑर्डर, स्टॉक सिप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपको शुरू में बताया था मैंने कि अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट क्लासेस में पैसा लगा सकते हैं आप इनके थ्रू। US के मार्केट में भी लगा सकते हैं। अलर्ट सेटअप करना हो तो आपको स्क्रिप्ट ऐड करना पड़ेगा, कुछ प्राइस पॉइंट सेटअप कर सकते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन हैव द अलर्ट फॉर यू। नोटिफिकेशन ऐप आपको प्रोवाइड कर देगा। कुछ एप्लीकेशन में सीखने को आपको एडुमो, वेबिनार, मोस्ट गाइड, हालांकि सीखने के लिए आप स्टॉक पाठशाला का इस्तेमाल तो डेफिनेटली करते रहे होंगे, नहीं कर रहे तो स्टॉक पाठशाला एप्लीकेशन ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हम अर डिजिटल ब्लॉगर की ही है स्टॉक पाठशाला, इन हाउस प्रोडक्ट है ये, जस्ट टू मेक श्योर कि आप स्टॉक मार्केट सीख सकें आसान तरीके से। ज़्यादातर कोर्सेज फ्री हैं उसमें। खैर, वापस आते हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ, मार्केटिंग में थोड़ा चला गया था अंदर। एनीवे, रेफर नाउ एंड ऑल दैट, ये कुछ और फीचर्स हैं। बेसिकली दोस्तों, आप अपना पोर्टफोलियो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप बनाएंगे यहाँ पे, तो यू कैन लुक एट दैट। सर्च कर सकते हैं स्क्रिप्ट, वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं चाहें तो। यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको ऐड करना है, प्लस ऐड वॉच लिस्ट नया बनाएंगे। लेट से आई वुड से कि मैं टेक तरह के स्टॉक्स को देखना चाहता हूँ, तो ये कुछ रिसेंटली सर्च हैं, मैं इन्फोसिस ऐड कर दिया मैंने, जैसे आई कैन ऐड टेक महिंद्रा इफ़ आई वांट, तो दैट्स देयर। आई कैन ऐड TCS इफ़ आई वांट। तो एक अलग अलग तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं, इट डिपेंड्स के किस तरीके से आपको वॉचलिस्ट देखना है। आपको वॉलेटिलिटी के बेस पे देखना है, आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे देखना है, आपको देखना है कि वो कितना पुराना है, करंट मार्केट प्राइस का रेंज क्या है उसका, सेक्टर कौन सा है उसका, डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल, आपको अपने हिसाब से देखना है। देन यू हैव ट्रेडिंग रिपोर्ट्स, कि आपने जो ट्रेडिंग कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वैसे इसका नाम ना इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट होना चाहिए था, इन्वेस्टिंग रिपोर्ट्स, ऐप तो इन्वेस्टिंग के लिए है ना। एनीवे, तो पोजीशंस, मार्जिन, कैश मार्जिन लिया, कंप्लीट कौन सा किया है, सो यहाँ पे आके आपको अपना ब्यौरा पता लगेगा कि कितने पानी में हैं आप, फ़ायदा या नुकसान आप कर चुके हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। ये थी मोतीलाल ओसवाल की एप्लीकेशन इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपको कुछ और फीचर्स पूछने हो तो पूछ सकते हैं। हमारा फीडबैक यही है कि अगर इन्वेस्टर हो आप या मार्केट में डिलीवरी से शुरुआत करना चाहते हो, जो कि करना चाहिए, तो दिस इज़ अ गुड ऐप दैट यू कैन ट्राई इट आउट। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, एज यूजुअल हम अलग अलग रिकमेंडेशन एप्लीकेशंस की अच्छी बुरी लेके आते रहे। ये एप्लीकेशन एक F&O ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर के लिए नहीं है। यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड एज एन इन्वेस्टर, चाहे आप बिगिनर हो, एक्सपर्ट हो, इंटरमीडिएट हो। वन ऑफ द गुड ऐप्स इन द ओवरऑल इंडस्ट्री एज सच फॉर एन इन्वेस्टर। यू कैन चेक इट आउट एंड अपनी फीडबैक, अगर आप इसको यूज़ करते रहे हैं ना, ये याद रखिएगा, अगर आप इसका इस्तेमाल कर चुके हैं ना दोस्तों, तो अपना फीडबैक नीचे ज़रूर बताएं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न एज वेल, के प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कुछ लोग जो 2, 3, 4, 5, 10 साल से इसको यूज़ करते आ रहे हैं, जितने भी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। अभी के लिए इतना ही। आप कौन सी एप्लीकेशन का रिव्यू चाहेंगे, डेमो चाहेंगे, ज़रूर बताइएगा हमें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बाय।